नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी A73 है या कोई और मॉडल है सैमसंग का, तो यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन पे जो कैमरा या फिर मैसेज का शॉर्टकट दिखता है, ये फ़ोन कॉल का है, ये कैमरा का शॉर्टकट है जिसको आप ऐसे दबा के रखेंगे, ऐसे करके साइड करेंगे तो ये कैमरा ओपन हो जाता है, देख सकते हैं। और अगर मैं दूसरा दिखाऊँ तो ये आपका फ़ोन कॉल है, आप ऐसे करेंगे तो फिर आप फ़ोन कॉल का डायलर ऑन हो जाता है। तो ये शॉर्टकट होते हैं लॉक स्क्रीन पे, इसको रिमूव कैसे करना है, तो इसके लिए आप चले जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब लॉक स्क्रीन का तभी शो करेगा जब आपने अपने फ़ोन में लॉक लगा रखा है तो, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे शॉर्टकट्स आ जाता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लेफ्ट का शॉर्टकट कोई भी चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना है तो, बाकी अगर हटाना है तो इसको आप बंद कर देंगे तो ये लेफ्ट का शॉर्टकट बंद हो जाएगा। राइट का शॉर्टकट बंद करना है तो राइट का भी शॉर्टकट आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, बाकी दोनों का तो आप यहीं से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी लॉक स्क्रीन पे शॉर्टकट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कैमरा या फिर कुछ भी रिमूव कर लीजिएगा लॉक स्क्रीन से। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।